नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केसरगंज लोकसभा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने सुल्तानपुर कादीपुर स्थित मालपुर गांव पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होने पर उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दीपेंद्र हुड्डा के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2012 में दीपेंद्र हुड्डा को हराकर मैं अध्यक्ष बना, तब से लगातार अध्यक्ष रहा, बीच में चुनाव भी नहीं हुआ। दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ महिलाओं का प्रयोग किया। यूपी के जालौन में ड्यूटी पर जा रही स्टाफ नर्स के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने नर्स के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता स्कूटी से जा रही थी, तभी बदमाश उसे झाड़ियों में खींच ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दरिंदगी की सारी हदें पार कर महिला के प्राइवेट पार्ट्स में लाल मिर्च डाली गई। वहीं महिला से दरिंदगी कर बदमाश फरार हो गए हैं। घायल अवस्था में पड़ी नर्स को ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य में भर्ती करवाया, इसका इलाज जारी है। मामला चुरखी थाना क्षेत्र के सोकर खेड़ा मोड़ का है। एक पीड़ित महिला जो मूलतः राजपुर थाना कानपुर देहात की रहने वाली है तथा चुरखी क्षेत्र में पीएससी बावई में तैनात है, उसी के गांव की रहने वाली एक अन्य महिला के पति सुमित से अवैध संबंध के शक में कल सुमित ने अपनी पत्नी को मारा पीटा था। इसी बात को लेकर सुमित की पत्नी अपनी माँ व पिता गोविंद सिंह के साथ चुरखी आ रहा था। मुसमरिया मोड़ के पास इन लोगों की आपस में मारपीट हुई है। सूचना पर थानाध्यक्ष चुरखी तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। यद्यपि पीड़िता द्वारा प्रकरण में गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं। यूपी के जालौन में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है और दो दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के टर्ननगंज इलाके का है, जहां कोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार और नगरपालिका टीम की मौजूदगी में गैस चूल्हे की दो दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करवाया गया। जालौन जिले में तेज रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला है। स्कूटी और मोटरसाइकिल में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं राहगीरों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं एक व्यक्ति की हालत को देखते हुए उच्च संस्थान रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला जालौन जिले के माधोगढ़ से बंगरा जाने वाले मुख्य मार्ग का है। शाजापुर में अवैध कॉलोनी बसाने का मामला सामने आया है, जिससे नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर डीजू बाफना की जन सुनवाई में फरियाद लेकर पीड़ित पहुंचे। इसके बाद कलेक्टर ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, साथ ही पुलिस में प्राथमिक दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। जिले की जो शाजापुर तहसील है, इसमें जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उसके संबंध में जो है हम अपने पटवारियों को निर्देशित किया है कि अवैध कॉलोनी जहाँ जहाँ भी हैं उसके संबंध में विधिवत जांच करके और विधिवत जो प्रतिवेदन जो है वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित करें। इसी अनुक्रम में हम लगातार अपनी जांच रिपोर्ट भेज रहे हैं और उस पर मैम मैडम ने भी कुछ आदेश जारी किया है उस पर। हाँ, अभी एक अवैध कॉलोनी पर FIR दर्ज कराने के लिए कलेक्टर मैम ने आदेश जारी किया है, जिसपे कि नगर पालिका CMO को निर्देशित किया है कि वो उन पर प्राथमिकी दर्ज कराएं, उसी अनुक्रम में कार्रवाई जारी है। यूपी के सुल्तानपुर में खूनी रिश्तों को तातार करने वाली खबर सामने आई है। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर स्थित इलाके में गुस्साए कलयुगी जीजा ने अपने साले की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी जीजा के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक हत्या का मुख्य कारण पारिवारिक कलह बताई जा रही है। थाना कोतवाली नगर के कटहल की बगिया शास्त्री नगर में एक घटना की सूचना प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार जीजा ने साले को गोली मार दी। जीजा और बहन के झगड़े को देखने के हेतु साला आया हुआ था, जहां पर हुए विवाद और कहा सुने के बाद जीजा संतोष अग्रहरी ने साले रमेश अग्रहरी को अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मार दी। मरने वाले हमारे साले, क्या नाम उनका? रमेश चंद्र अग्रहरी। कहाँ के रहने वाले हैं? नरसड़ा गांव है, लकड़ी के पास बल्दीरा थाना। बाकी वो रहते हैं दिल्ली में, आज किसी शादी में आए हैं। अच्छा। शादी में आए थे तो इन्हीं के यहाँ गए, अपनी बहन के यहाँ। हाँ? अपनी बहन के यहाँ मिलने गए और वो जो है इन्हीं के जीजा ने मार दिया गोली। कटहल बगिया पे आपके मृतक क्या थे? आपके
तक जो मेरा सगा भाई है सर, भाई अच्छा, घर पर गया था, हमारे मौसी के लड़के लड़के शादी थी, वही बारात के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू देवी है। तो ये बात क्या लेकर विवाद था? किसी बात को लेकर विवाद नहीं था, बारात में आए थे, बहन के पास मिलने गए थे खाली। अब बारात में जैसे कोई रंजिश वगैरह थी क्या? पुरानी नहीं, पुरानी लाइसेंस बंदूक था उसके पास। फरुखाबाद के फतेहगढ़ बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों ने उत्पीड़न और दुर्घटनाओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी के द्वारा पहचान पत्र और सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही विभागीय मानकों के विरुद्ध 55 वर्ष का हवाला देकर कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है। एक हमारा मांग पत्र था, जो हमारे लाइनमैन सहायक हैं, उपकेंद्र परिचालक हैं और एसएसओ सहायक हैं, सब स्टेशन ऑपरेटर एसएसओ हैं, इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग इत्यादि करी जा रही है। लगातार बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जारी है। कंपनी द्वारा आए दिन अपने घर से 50 किलो 40 किलोमीटर पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हम लोगों को मानदेय के नाम पर 9,000 और 11,000 का वेतन मिलता है। इतने में हम लोग 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाने में विवश हैं। इस मुख्य मांग को लेकर हमने पत्राचार दिया। ताज नगरी आगरा में मेट्रो की अंडरग्राउंड खुदाई के चलते मकानों में दरार को लेकर यूपीएमआरसी ने अपनी सफाई दी है। आगरा मेट्रो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार राय ने टेक्निकल आधार पर मकानों में आए क्रैक से अपना पल्ला झाड़ लिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक मेट्रो के सर्वे में 151 मकान चिन्हित किए गए थे। मौजूदा समय में जिन मकानों में दरारें आई हैं, उनमें और भी कई कारण हैं। घनी आबादी के नीचे मेट्रो की अंडरग्राउंड खुदाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों का पालन किया जा रहा है, बावजूद इसके मकानों में आई दरार या किसी अन्य नुकसान को मेट्रो अपने स्तर से भरपाई करने को प्रतिबद्ध है। यूपी के बदायूं में जमीन का बेनामा कराने के नाम पर पैसे लेन देन को लेकर एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत कालूपुर कमालपुर का बताया जा रहा है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर है और इसे देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पुलिस ने अलग अलग स्थानों से नशा कर रहे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश पर शिवपुरी जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP News के साथ। नमस्कार।